मधुबनी का दूसरा ISO मान्यता प्राप्त अस्पताल परिसर में दिखने लगा झील सा नजारा। लगातार हो रही बारिश से लबालब भरा अस्पताल परिसर। इलाज कराने आने वाले मरीजों के साथ साथ अस्पताल कर्मियों को होती ढेरों परेशानी। दूर दराज इलाकों के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल से भी आते हैं मरीज। अस्पताल परिसर के बाद अब आपातकालीन कक्ष में भी घुसने लगा पानी। जल निकासी के सभी दावों की खुली पोल। बरसात में झंझारपुर अनुमंडलीय अस्पताल का हाल किसी से छुपा नहीं है। नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र बॉर्डर इलाके के लोग यहां इलाज कराने के लिए आते हैं। जिले का दूसरा और एकमात्र ISO मान्यता प्राप्त अनुमंडलीय अस्पताल बरसात के दिनों में चारों तरफ से लबालब पानी से भरा हुआ है। बरसात के दिनों में अनुमंडल अस्पताल में मरीजों का भी इजाफा होने लगता है, लेकिन अनुमंडल प्रशासन की ओर से व्यवस्था में काफी कोताही बरती जा रही है। अनुमंडल अस्पताल के नर्स एवं अस्पताल कर्मी बताते हैं कि जल निकासी के लिए एक पंप सेट लगाया गया जिसके माध्यम से पानी निकासी होता था, लेकिन मूसलाधार बारिश होने के बाद जल निकासी में इससे काफी समय लगता है। बरसात के दिनों में जल जमाव यहाँ की समस्या नासूर बना है, जिससे मरीजों के साथ अस्पताल कर्मियों को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बावजूद इसके अस्पताल प्रबंधक हाथ पर हाथ धरे बैठा है। झंझारपुर नगर प्रशासन के जल जमाव के सभी दावे यहां खोखले साबित हो रहे हैं। आपको बता दें कि आज जब हमारे संवाददाता ने अनुमंडल अस्पताल का रुख किया तो अस्पताल के अंदर पहुंचकर मरीजों का हालचाल जानना भी किसी चुनौती से कम नहीं था। घुटनों पर पानी में जाकर अस्पताल में आपातकालीन सेवा कक्ष में प्रवेश किया, जहां भर्ती एक मरीज संजय यादव ने बताया कि अनुमंडल अस्पताल में पानी के जल जमाव से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब खाली पांव पानी से गुजर कर अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचते हैं तो लगता है कि शरीर गल गया। इलाज के बाद कोई दूसरा बीमारी ना हो जाए इसकी चिंता लगी रहती है। महिका मरीज चित्रकला देवी बताते हैं कि हमारे पांव में घाव हो गया है, पानी से होकर गुजरना दुर्लभ है। भगवान भरोसे हम लोग पानी से पार करते हैं। झंझारपुर से संवाददाता हरिशंकर प्रसाद की रिपोर्ट। हॉस्पिटल में पानी है तो क्या कहेंगे आप? दिक्कत तो पेशेंट के साथ है ही, काफी समस्या है, क्योंकि आदमी का तो बुखार लगा हुआ रहता है, किसी का तबियत बिगड़ा हुआ रहता है, जाने आने में बहुत दिक्कत, जाने आने में काफी कठिनाई होते हैं। अगर आप कहीं थलिया फोस पानी में चले गए तो जैसे होगा कि पूरा शरीर निकल गया। अच्छा, इस टाइप का मतलब ठंडा लगता है। मौसम तो आज जरूर था ही। क्या नाम हुआ आपका? संजय यादव नाम है हमारा। संजय यादव, पंचायत से खैरा से आया हूँ। अच्छा, क्या चीज का इलाज करवाने के लिए आए हैं? यहाँ पर बुखार, मतलब अचानक आ गया, बुखार है। हाँ, बुखार है। क्या दिक्कत है? पानी है हॉस्पिटल में, क्या कहेंगे? बहुत दिक्कत हो रहा है जाने आने में पेशेंट के। अगर बच्चा भी बीमार रहता है तो आने में बहुत दिक्कत, बच्चा नहीं आ पाता है। भाव जिसका है तो पानी में भाव मिल जाता है, क्या दिक्कत है? वही सब दिक्कत है ना। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रकला देवी। चंद्रकला देवी कहाँ से आई है? खैरा से। खैरा से।